हेलो फ्रेंड्स, वीडियो कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही टेस्टी एंड अमेजिंग डिश बनाना बताएंगे। तो उसके लिए जी हमने दो बासी रोटी ली है। आप चाहे तो ताज़ी रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बासी रोटियों का यूज़ किया है। ये इस पर देखो घी भी वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इस रोटी को हम इस तरीके से लेकर और इस तरीके से राउंड में करते हुए राउंड गोल राउंड कर लेंगे इसको। तो इस तरीके से हमें करना है। आप अगर कहीं ज़्यादा रोटी का बनाना चाहते हैं तो आप केवल दो ही रोटियों को ऐसे राउंड में लें और दो दो से ही राउंड लेकर ज़्यादा रोटियों को ना लपेटें एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वो कटने में दिक्कत आती है काटने में। इसलिए दो दो रोटियों को कर राउंड में लेकर इस तरीके से इसको काट लेना है। तो फिर इस तरीके से हम इसको पूरी को ज़्यादा ना मोटी काटना है ना ज़्यादा पतली काटना है, मीडियम में काटते चलना। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि ये डिश हमें कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको हमारी डिश कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसको पूरा काट लेना है। देखिए, एक एक लड़ी अलग अलग होती जाएंगी उसकी, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके की हमें काट लेना है लंबी लंबी, और ज़्यादा लंबी भी नहीं रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरी काट कर रेडी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम अब एक प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं यहाँ से। और देखिए, इस तरीके से हमारे हो चुका है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम डालकर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई करेंगे इसको। हल्का हल्का सा हिलाते हुए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने तक और इसमें से आवाज़ आने तक, इसमें से कड़क हो जाने दी है तो फिर इसमें से आवाज़ आने लगती है। तो फिर देखिए इस तरीके से, ये हमारी रोटियां बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी, तो जिससे कि हमारा नाश्ता तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तो हम इनको इसमें इस तरीके से झारे से निकाल लेते हैं, जिससे कि तेल ना आए। तो इस तरीके से इसका तेल झटक के हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और देखिए इसमें इसकी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये अच्छे से कड़क है। देखिए, हम इसको हाथ से करके दिखा देते हैं आपको। देखो, अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसको एक प्लेट में करते हैं रेडी। तो इस तरीके से हमें इसको प्लेट में फैला लेना है पूरी रोटी को। ये बहुत ही क्रिस्पी, आप ऐसे भी खाओगे तो बहुत अमेजिंग लगेगी ये। तो इस पर हमने ये टमाटर सॉस लिया है, आप चाहे तो केचप ले सकते हैं, ये बच्चों को बहुत फेवरेट होता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से हमें इसे डाल लेना है, हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, दो चम्मच हमें ज़्यादा से ज़्यादा दो चम्मच ऐड करना है। और इसमें हल्का सा नमक ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद ये हमने रतलामी सेव लिए, आप चाहे तो इसकी जगह पर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से पूरे में फैला लेना है। हम इनको पूरों को ना फैलाएंगे इतने हुए, हम इनको थोड़े से बचा कर रखेंगे सेवों को। आप इसकी जगह चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप चीज़ डाल सकते हैं। तो इतने सेव हमने बचा के रखे हैं कुछ थोड़े से। और अब हम इसके ऊपर अपनी ये गाजर की पतली पतली काट के रखी थी हमने, वो अच्छे से सजा देते हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है हमारे इसमें। इसको रोटी पिज्जा भी बोला जाता है। और इस पर हम प्याज भी ऐड कर देते हैं। ये हमारा रोटी पिज्जा एकदम फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। आप किसी भी टाइम या सुबह सुबह नाश्ते में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। और हम इसमें शिमला मिर्ची डाल रहे हैं, हमने इसमें पिंक पीले कलर की शिमला मिर्ची ली है। आप चाहे तो कोई भी शिमला मिर्ची ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो। आपके पास अगर कहीं और भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब हम इसमें मटर के दाने, हमें मटर ऐसी ही नहीं लेनी है, उबली हुई मटर को लेना है, कच्ची मटर हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इस तरीके से हम सब तरफ इसमें मटर के दाने लगा देते हैं।
और जो हमारे बचे हुए सेव थे वो हम इन पर फिर से फ्राई डाल देते हैं। अगर फ्रेंड्स हम आपको याद दिला देते हैं, अगर कहीं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हर डिश को बनाना आसानी से सीख सकें। बिटिया कुकिंग आपके लिए नई नई डिजाइन लाती रहेगी। इस तरीके से धनिया डालकर यहाँ हमारा रेडी हो चुका है। हल्का सा नमक और डाल देते हैं और ये फ्रेंड्स बनकर रेडी है रोटी पिज्ज़ा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। सो थैंक्स।